नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी जेई 2019 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बेस्ड ऑन सर्वे, एक तरीके से कोचिंग सेंटर से सर्वे लिया गया है। यहाँ पे सभी से डिस्कस करके यहाँ पे ये मतलब फाइनलाइज किया गया है। हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 99% यही जाए। जी हाँ दोस्तों, सीबीटी फर्स्ट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं हम आरआरबी जेई के लिए। जनरल ओबीसी एससी एसटी क्या कट ऑफ रह सकता है इस बार, हर जोन का, प्रत्येक जोन का बारी बारी से हम आपको बताएंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक किया और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे 26 लाख के आसपास यहाँ पे फॉर्म रिसीव हुए, तो कम से कम ये मान के चलिए दोस्तों जो प्रेजेंटेशन रहेगी, जो प्रेजेंट बच्चे रहेंगे वो 20 लाख के करीब तो कंफर्म रहेंगे ही रहेंगे। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कट ऑफ की, तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले कोलकाता रीजन से सबसे ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट है, वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे जो फॉर्म फिल हुए वो भी मतलब एक तरीके से सबसे ज़्यादा ही है। मुंबई, कोलकाता, ये सारे के सारे रीजन में पोस्टें ज़्यादा थी, आपको पता है आरआरबी जाएगी। अभी बात करता हूँ मैं दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ के हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकती है। अगर मैं बात करूँ कल कोलकाता की, जी हाँ दोस्तों, कोलकाता 65 के आसपास यहाँ पे जनरल कैटेगरी कन्फर्म होगा ही होगा, आपको 65 के आसपास पहुंचाने होंगे। और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद में, जी हाँ दोस्तों, ये जो सारी कट ऑफ में बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में। अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे कि सर 65 या 70 के आसपास थे, हमने अटेम्प्ट किए हैं, इसके अलावा अगर 10-15 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाते हैं तो 50 के आसपास हमारा स्कोर बनता था। दोस्तों आप निश्चित रहिए, 50 नंबर के आसपास या 55 नंबर के आसपास आपके बन रहे, आप एक तरीके से सेफ हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 5-10-15 नंबर बढ़ेंगे कन्फर्म है शिफ्ट के अकॉर्डिंग। जैसा कि आपको पता है पेपर का जो लेवल था इस बार इतना ज़्यादा ईजी नहीं था। रिसेंट ईयर वाले पेपर की बात करें हम तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ईजी पूछा गया था, इस बार जो लेवल था थोड़ा डिफिकल्टी लेवल वो थोड़ा हाई था। मैं इंडिविजुअल अगर बात करूँ साइंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड थे, बहुत लोगों से हुए नहीं। मैथ भी थोड़ा, और ये जो रीजनिंग था वो भी थोड़ा लेवल अप था इसके हिसाब से, बैंक वाला थोड़ा ज़्यादा पोर्शन डाला गया था। तो कहीं ना कहीं ये दोस्तों मान के चलिए इस बार का जो कट ऑफ रहेगा नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में अगर मैं बात करूँ तो 65 से एक नंबर ऊपर नहीं जाएगा, चाहे वो कोई सा भी जोन हो। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर बता रहा हूँ दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग ऐसे मानते हैं कि 65 या 70 के आसपास नहीं जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके 50-55 के आसपास है तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको 10-15 नंबर इंक्रीज, या आप मान के चलिए अगर आपका शिफ्ट हार्ड था तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। वेल दोस्तों सबसे पहले कट ऑफ बताने आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे 3 फैक्टर के ऊपर आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे के एग्जाम में मोस्टली यहाँ पे ये 3 फैक्टर ही काम आएंगे, इस बार भी आप देख लेना। अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, सबसे पहले टोटल वैकेंसीज कितनी है, इंडिविजुअल आपके जोन में कितनी वैकेंसी है ये मायने रखती है। अगर आपके जोन में ज़्यादा वैकेंसी है तो कट ऑफ कभी भी हाई नहीं जाएगी, कन्फर्म है, लिख के लो, रिसेंटली एग्जाम में अपन ने देखा भी है। दूसरा यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल, और वो डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का नहीं, आपके शिफ्ट का लेवल, आपके पेपर का लेवल अगर ज़्यादा था, आपको लगता है आपकी आपका पेपर मतलब थोड़ा हार्ड आया था कंपेयर टू अदर शिफ्ट के, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके नॉर्मलाइजेशन में 5-10 नंबर बढ़ने के। तीसरा यहाँ पे फैक्टर डिसाइड होता है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका मोड है, एग्जाम का मोड वो कैसा है। अगर आपका एक ही पेपर होना है उसके बाद में सिलेक्शन होना है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ हाई जाएगी, जैसा कि ग्रुप डी में अपन को देखने को मिला है 100 में से 70 नंबर के आसपास यहाँ पे कट ऑफ गई थी। लेकिन एएलपी में आपने देखा यहाँ पे सीबीटी फर्स्ट हुआ, सीबीटी टू हुआ, तो उस हिसाब से यहाँ पे दोस्तों चांसेस बनते हैं। अभी आपका ये ओनली यहाँ पे सीबीटी फर्स्ट हुआ है, सीबीटी फर्स्ट के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन होना है सीबीटी टू के लिए, उसके बाद में फिर आप फर्दर आपको पता है क्या प्रोसेसिंग होगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, कंफर्म मान के चलिए अगर आपके 50-55 के आसपास जैसे कि मैंने पहले बताया आपको सही बन रहे हैं आपके कट कटा के, ये मान के चलिए हाई कट ऑफ के हिसाब से बता रहा हूँ मैं हाई जोन वालों का, तो ये मान के चलिए आप सेफ हो एक तरीके से। हो सकता है चांसेस बनते हैं इस बार सीबीटी फर्स्ट निकलने के। तो दोस्तों चलिए दोस्तों अभी मैं आपका फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, कट ऑफ इंडिविजुअल किस जोन में क्या रहेगा, क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है वो बता देता। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे कोलकाता रीजन की, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा थे इस बार, आपने देखा होगा नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे एप्लीकेंट ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया, तो कहीं ना कहीं जो जनरल की कट ऑफ होगी वो दोस्तों यहाँ पे 62 से 64 के करीब यहाँ पे रहने के पूरे पूरे चांसेस है। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जैसे कि मैंने ऊपर नोट किया आपको, ये मान के चलिए 55 के आसपास या 50-55 के बीच में आपके नंबर बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं नॉर्मलाइजेशन में 5-10 नंबर इंक्रीज होकर आपका चांसेस बनता है। हो सकता है सीबीटी मतलब सीबीटी फर्स्ट आपका क्लियर हो जाए, ओबीसी 62-60 के बीच में यहाँ पे रहेगा। वहीं एस सी एस टी की बात करूँ मतलब 52 से 55 के बीच में अगर आपका बन रहा है तो सेफ मान के चलिए आप कोलकाता रीजन में। नेक्स्ट जोन आता है दोस्तों यहाँ पर हमारा मुंबई जोन। दोस्तों मुंबई जोन की बात करें, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज मुंबई जोन में है, तो कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट है वही भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो दोस्तों कट ऑफ है वो हर बार की बात है, इस बार भी मतलब जनरल की कट ऑफ थोड़ी कम ही देखने को मिलेगी कंपेयर टू यहाँ पे इलाहाबाद जोन के। अगर मैं बात करूँ जनरल की 58 से 62 के आसपास यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं जाएगी जनरल के कट ऑफ। ओबीसी की बात करें दोस्तों 56 से 60 के बीच में अगर आपके बन रहे ओबीसी में कन्फर्म आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी कैटेगरी वाले 52 के आसपास आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वहीं एसटी वाला 50 के आसपास यहाँ पे नंबर सेफ है। इलाहाबाद जोन की बात करते हैं दोस्तों, इलाहाबाद जोन इस बार जनरल का
कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहने वाला है कंपेयर टू मुंबई, जो उनके मैंने आपको पहले भी बताया था इलाहाबाद की थोड़ी सी हाई रहेगी इस बार कन्फर्म है दोस्तों। 64 के आसपास अगर आपके बन रहे तो ही आप उम्मीद रखिए जनरल में, हो सकता है दोस्तों 62 से 64 के बीच में वेरी करेगा यहाँ पे जनरल का कट ऑफ। वहीं ओबीसी 62 और एससी एसटी यहाँ पे वही 52 से 55 के बीच में आपका एससी एसटी कन्फर्म यहाँ पे इलाहाबाद जोन में रहेगा दोस्तों। ये मान के चलिए एससी एसटी वाले और जनरल ओबीसी वाले इन दोनों में 10 नंबर का या 15 नंबर का भी हो सकता है डिफरेंस किसी जोन में। बात करता हूँ यहाँ पे चेन्नई जोन की, चेन्नई जोन में जनरल यहाँ पे 66 के करीब, 64 to 66 के करीब यहाँ पे जनरल कैंडिडेट वाले सेफ मान के चलिए खुद को। वहीं ओबीसी की बात करें 62 नंबर आपके बनते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद में, तो कहीं ना कहीं चांसेस पूरे पूरे हैं सीबीटी फर्स्ट क्लियर होने के। एससी वाला मान के चलिए 56 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा, वहीं एसटी वाला 54 के करीब यहाँ पे सेफ है चेन्नई जोन में। जी हाँ दोस्तों, अगले जोन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला जोन आपका आता है दोस्तों चंडीगढ़ का, जो कट ऑफ है जनरल 62 के आसपास इस बार रहेगा, वहीं ओबीसी 60 के करीब यहाँ पे इस बार रहेगा, एससी एसटी वाले 52 से 48 हो सकता है दोस्तों, एसटी 50 से नीचे जी यहाँ पे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में बात कर रहा हूँ 40 नंबर के आसपास आपके बन रहे तरीके से सेफ हो, 5-10 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद में भी बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे पूरे चांसेस है आपके एससी एसटी कैटेगरी में। वहीं ओबीसी और जनरल की मैंने आपको बता दी दोस्तों 10 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस रहेगा चंडीगढ़ में एससी एसटी और जनरल ओबीसी के बीच में। अगर बात करता हूँ यहाँ पे ये नेक्स्ट जोन की दोस्तों, अगले जोन की तरफ चलते हैं अजमेर जोन, यहाँ पे 65 से 62 के बीच में अगर आपके बनते हैं तो आप अगले सिलेक्ट फर्स्ट CBT 2 के लिए। ओबीसी की बात करूँ दोस्तों यहाँ पे ओबीसी 64 के बीच में आपको चाहिए, जनरल और ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस इस बार नहीं देखने को मिलेगा आपको। एससी की बात करें एससी 52 से 55 के बीच में आप सेफ हो, वहीं एसटी कैटेगरी 44 से 48 के बीच में बिल्कुल सेफ है इस बार। बेंगलोर जोन की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बेंगलोर जोन में 60 से 62 के बीच में इस बार जनरल कट ऑफ रहेगा, ओबीसी 58 से 60 के बीच में तथा एससी कैटेगरी 52 से 55 के बीच में और एसटी कैटेगरी यहाँ पे 46 से 48 के बीच में यहाँ पे इस बार वेरी करेगा। जी हाँ दोस्तों, बेंगलोर की इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी मान के चलिए आप। अगला जोन आता है दोस्तों यहाँ पे आपका सिकंदराबाद जोन, सिकंदराबाद जोन में दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिल सकता है इस बार पोस्ट के अकॉर्डिंग। जनरल कट ऑफ यहाँ पे 64 से 66 के आसपास अजमेर के कंपेरिजन में यहाँ पे हो सकता है अजमेर और सिकंदराबाद की सिमिलर कट ऑफ इस बार हो देखने को मिलेगी आपको दोस्तों। ओबीसी की बात करें 60 से 62 के बीच में, एससी कैटेगरी 52 से 55 के बीच में तथा एसटी कैटेगरी 48 से 52 के बीच में इस बार सेफ स्कोर माना जा रहा है सीबीटी फर्स्ट के लिए सिकंदराबाद में। गोरखपुर जोन की बात करते हैं दोस्तों, गोरखपुर 64 to 66 के आसपास थोड़ा सा हाई रहेगा, वहीं ओबीसी की बात करें थोड़ा कम हाई ज़्यादा मतलब जनरल और ओबीसी में यहाँ पे 2-3 नंबर का आपको आसानी से गैप देखने को मिलेगा, 62 नंबर के आसपास आपके बन रहे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो आप एक तरीके से सेफ हो गोरखपुर जोन में। अगर एससी एसटी की बात करूँ दोस्तों यहाँ पे मैं एससी एसटी वाला 48 से 52 के बीच में आपके नंबर बनते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब सेफ मान के चलिए आप अपने आपको। अगला जोन होता है दोस्तों आपका गुवाहाटी जोन, तो दोस्तों अभी बात करते हैं हम यहाँ पे गुवाहाटी जोन की। जी हाँ दोस्तों, गुवाहाटी जोन की इस बार की जो कट ऑफ रहेगी वो 60 से 62 के बीच में जनरल की कट ऑफ रहेगी, वहीं ओबीसी की बात करूँ मैं 58 से 60 के बीच में अगर आपके बनते हैं तो गुवाहाटी जोन एक तरीके से सेफ है सीबीटी फर्स्ट के लिए। एससी एसटी वाले ये मान के चलिए 52 से 48 के बीच में अगर आपके बनते हैं, 48 के आसपास या 44 के आसपास भी जा सकता है एसटी कैटेगरी, तो आप बिल्कुल सेफ हो इस जोन में। भोपाल जोन की बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों, भोपाल जोन में 1 नंबर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ सकता है पटना के हिसाब से। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 60 से 62 या 63 के बीच में अगर आपके जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी वाला भी ये मान के चल रही ओबीसी और जनरल 58 से 62 या 64 के बीच में आप बिल्कुल सेफ हो जनरल ओबीसी। वहीं अहमदाबाद की बात करता हूँ यहाँ पे दोस्तों, अहमदाबाद में थोड़ा सा हाई नहीं जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कम हाई जाएगा कंपेयर टू अजमेर जोन के। अगर बात करूँ जनरल की, जनरल 62 के आसपास भी हो सकता है ओबीसी 58 से 60 के बीच में, एससी एसटी कैटेगरी वही 55 से 58 के बीच में यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। 10 नंबर का फ़र्क लेके चलिए आप चाहे कोई सा भी जोन हो एससी एसटी और जनरल ओबीसी के बीच में। बिलासपुर जोन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बिलासपुर जोन में 65 सा हाई रहेगा बिलासपुर जोन कंपेयर टू आसपास के जोन में। ओबीसी जोन यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी यहाँ पे बिलासपुर जोन में ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पे थोड़ी सी हाई तो मान सकते हो दोस्तों, आपको यहाँ पे मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा जनरल और ओबीसी में, एससी एसटी 55 के आसपास रहेगा। रांची जोन बात करें जनरल कैटेगरी यहाँ पे 60 के बीच में, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हाई जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रांची जोन कन्फर्म है 65 के आसपास तो कन्फर्म रहेगा ही रहेगा इस बार रांची जोन। ओबीसी वाला भी ये मान के चलिए 1% थोड़ा सा कम मान के चलिए जनरल के हिसाब से। एससी एसटी की बात करूँ 50 से 55 के बीच में आपको नंबर लाने ही पड़ेंगे रांची जोन में, अगर आपको सेफ होना है 55 के करीब बिल्कुल सेफ हो आप एक तरीके से रांची जोन में एससी एसटी वाला। पटना जोन की बात करें, पटना भी थोड़ा सा हाई रहेगा दोस्तों रांची के हिसाब से, ये मान के चलिए रांची और पटना थोड़े से ज़्यादा हाई जाने वाले इस बार 65 के आसपास करीब कन्फर्म में जनरल ओबीसी कट ऑफ रहेगा ही रहेगा। सिलीगुड़ी की बात करते हैं दोस्तों, सिलीगुड़ी थोड़ा सा कम ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, तो दोस्तों ये लास्ट के जो मैंने जोन बताए ये इसलिए हाई रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो कहीं ना कहीं सीबीटी 2 में इतने ज़्यादा बच्चे नहीं लेंगे आपको पता है।
अगर कम कट ऑफ की बात करें दोस्तों, मालदा और जम्मू कम कट ऑफ में सबसे कम कट ऑफ के हिसाब से ये मान के चलिए जनरल कैटेगरी 55 के आसपास नंबर बिल्कुल सेफ हो, 50 से 52 के बीच में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ओबीसी कैटेगरी बिल्कुल सेफ है, एससी एसटी वाला मान के चलिए आप 45 के आसपास नंबर ले आइए, एक तरीके से सीबीटी फर्स्ट के आपका क्लियर हो ही जाएगा। भुवनेश्वर जोन की बात करते हैं, हाई कट ऑफ फिर जाएगा भुवनेश्वर में, इतना ज़्यादा हाई नहीं रहेगा लेकिन कंफर्म है, मतलब मालदा और जम्मू से थोड़ा सा हाई रहेगा ये कन्फर्म मान के चलिए आप। जनरल ओबीसी 55 से 60 के बीच में तो लाना ही पड़ेगा अगर आपको सेफ होना है, एस सी एस टी वाला 50 के कम भी है तो भी चलेगा। मुजफ्फरपुर थोड़ा सा वही मतलब सेम जोन आते हैं दोस्तों, ये जो लास्ट के मैंने 3-4 जोन बताए हैं मालदा जम्मू मुजफ्फरनगर और ये भुवनेश्वर, तो ये इन सभी जोनों में यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी कम देखने को मिलेगी आरआरबी जेई 2019 के सीबीटी फर्स्ट पेपर में, कंफर्म है दोस्तों। यहाँ पे तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हाई कट ऑफ रहेगा क्योंकि आपको पता होगा सीबीटी 2 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ अगर किसी की गई थी तो वो तिरुवनंतपुरम थी। जनरल की कट ऑफ यहाँ पे 65 के आसपास रहेगी इस बार, कंफर्म है। ओबीसी 62, एससी यहाँ पे 55 और एसटी 52 नंबर यहाँ पे इस बार रहेगा, पूरा चांसेस है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। जब भी इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होगा आपको सबसे पहले कन्फर्म यहाँ पे नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँचा दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।